नागपुर सुबाथू मार्ग पर कथला में स्थित आरबी नीट एक्सपोर्ट उद्योग में चार मजदूरों को बिना किसी कारण निकालने पर इसमें कार्यरत दर्जनों मजदूर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और निकाले गए चारों मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग की। कर्मचारियों के आह्वान पर मजदूर संगठन युवा इंटक के प्रदेशाध्यक्ष राहुल तनवर भी पहुंचे और कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए बेवजह निकाले गए मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग कंपनी के प्रबंधकों से की। काथला में स्थित आरबी नीट एक्सपोर्ट कंपनी बुलंद से बनने वाले प्रोडक्ट तैयार कर एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने कुछ दिन पहले चार कर्मचारी जो 15 से 20 वर्षों से कंपनी में काम कर रहे थे उनको बिना किसी कारण के निकाल दिया। इससे मजदूर भड़क गए और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हो गए। युवक इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राहुल तनवर ने कहा कि बिना कारण कंपनी से बाहर किए कर्मचारियों को तुरंत कंपनी में वापस रखें। कंपनी की इस तरह की तानाशाही किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया तो इंटक कर्मचारियों के साथ एक बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। हालांकि इस दौरान आधे से ज्यादा कर्मचारी कंपनी में काम पर ही डटे रहे। कंपनी गेट के बाहर खड़े होकर मजदूरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अंदर काम पर नहीं गए। गेहूं तो इन्होंने जो बोनस की बात थी वो बोनस पिछली बार दे दिया था। अब ये जो 26 26 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो 20 20 साल से 10 10 साल पहले से काम कर रहे हैं, उन वर्करों को ये निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं कि वर्करों का ऐसे ही शोषण करेंगे, ऐसे ही ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। यहाँ अभी कई इन्होंने किसके इंक्रीमेंट नहीं दिए, अभी बहुत सी ऐसी मांगे हैं इनकी यहाँ पे जो अभी तक इन्होंने पूरी नहीं की। और अब प्रशासन इन्हें अब ये इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। मैं इनको एक बार आगाह करना चाहता हूँ, जितने भी ये फैक्ट्री के मालिक हैं या जो भी यहाँ पे मैनेजर हैं उनको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इंटक मजदूरों का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इन्होंने इनकी जो मांग है और जो इनको इनके कर्मचारियों को बाहर निकाला है, अंदर नहीं लिया, तो मेरे सारे जितने भी इंटक के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आकर यहाँ धरना करेंगे और इस जो इनकी मजदूरों का हक है वो दिलाते रहेंगे। रौड़ी पंचायत की प्रधान निर्मला देवी व उप प्रधान दिनेश कुमार ने कहा कि यह कंपनी उनकी पंचायत क्षेत्र में है और इसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी स्थानीय हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन से मांग करते हुए कहा कि वे निकाले गए चारों कर्मचारियों को वापस काम पर लें, जिससे कर्मचारियों को रोजगार के लिए परेशान ना होना पड़े। वहीं युवा इंटक के प्रदेशाध्यक्ष राहुल तनवर ने कहा कि यदि कर्मचारियों को वापिस न लिया तो कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन करेंगे। लुधियाना हेड ऑफिस से निर्देश आए थे कि चार कर्मचारियों पर एक्शन लेने के लिए, उसी के आधार पर चार कर्मचारियों को बाहर किया गया है। कंपनी में 119 कर्मचारी हैं, जिसमें आधे से ज्यादा कर्मचारी काम पर कंपनी में ही थे, बाकी कुछ कर्मचारी काम पर नहीं आए। निकाले गए कर्मचारियों पर प्रबंधन जो भी फैसला लेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने कुछ जैसे हमारे को बोनस और हमारा वेतन समय से मिलने के लिए हमने इनसे बार बार प्रार्थना की और बोनस के लिए हमने 3 साल से इनको कहा कि हमें समान बोनस दिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब ऐसा होने भी आला था तो हमारे को एक मोहरा बनाया कि ये जो पहले मैनेजमेंट थी कि उनके बंदे आके और ढंग में जा रहे, लेकिन ये सब हम अपने बोनस को एक समान मिलने के लिए कह रहे थे तो वो नहीं मिला। फिर बार बार हमने इनको बताया, फिर इन्होंने यही खुद कहा कि आप 2 4 बंदे इकट्ठे होके आया करो, बाकी सारे बंदे आने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने वैसा किया, परंतु जब हम आगे आए तो हम मोहरा बन गए कि आपने कंपनी के वर्करों को भड़काया, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी हम शांत स्वभाव से इस मसले का हल निकालना चाहते थे, परंतु वो नहीं हुआ। चलो जैसे ना तैसे चलो बाद में ही मिला, पर हमारे को बोनस मिल गया जो भी। फिर हमने ज़्यादा जब बात बढ़ने लगी तो हमने ये जो हमारी इंटक यूनियन के अध्यक्ष जी हैं उनको बुलाया और फिर उन्होंने भी हमारे लिए या कंपनी से प्रशासन से ये बातचीत की कि इनके साथ जो हो रहा है इसके लिए आप सही करें, इनके हक के लिए जो भी करें सही करें, परंतु हो सकता है कुछ हमारे बाबूजी की भी कुछ परेशानी हो। फिर जैसा उन्होंने कहा कि हम 12 को दे देंगे बोनस, तो
हम 12 तक इंतजार किया और वो हमें मिल गया। उसके बाद हमने कोई ना उड़दंग मचाई ना कोई, हमारा सब कुछ सही चल रहा था। परंतु फिर हमें बार बार बीच में बुला बुला करके टॉर्चर करते रहे कि ऐसा है, आपने ऐसा किया, आपने वर्करों को भड़काया है। तो हमने सर जी वर्करों को किसी को नहीं भड़काया, क्योंकि आजकल का वर्कर हमारे से ज़्यादा जागरूक है, वो हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखता है। हम तो पहले थे जैसे भी थे, जैसा हमारे को कहते हम चलते आए। 28 साल से मैं भी 27 साल से इस कंपनी में कार्यरत हूँ, तो मैंने भी इस कंपनी में हर काम भी किया है और एकजुट होकर काम किया, कभी हमने ऐसा नहीं किया। पर आज कुछ समय ऐसा आ गया था कि जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। तो वैसे तो हमारा सब ठीक था, जब हमारे को बोनस भी मिल गया, पूरा दे दिया इन्होंने, जैसे भी कट फट के दिया जैसे भी। तो अब हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं थी, हम तो कहते थे कि हमारे को काम दो और हमारे से काम लो, बस हमारे को ना ये नेतागिरी ना हम कुछ नहीं चाहते थे। परंतु बाद में ऐसा हो, हमारे को फिर बार बार टॉर्चर किया गया। और शनिवार को हम जब एंट्री तो होगी हमारी बाहर आए, तो हमारा पंच ही नहीं हुआ, हमने उसके बारे में भी नहीं पूछा। इन्होंने रिटर्न में हमारे से मांगा था कि आप 9 तारीख के जो एक देशव्यापी हड़ताल थी उसके बारे में आप रिटर्न में दे दें, वो हमने आज देना था, क्योंकि उस दिन हमारा एक्सप्रेस नहीं था। तो आज हम शांति स्वभाव से इस बात का, इस मसले का हल निकालना चाहते थे, लेकिन हमारा गेट बंद हो गया और इस वजह से हमारा ये आज जो सभी वर्कर हैं इकट्ठे हुए हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। एक वर्कर हूँ यहाँ की, तो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ कम से कम कोई 26 साल से काम कर रही हूँ और क्या बोलते हैं 21 साल तो मेरा पीएफ कटते भी हो गया है। तो हमारे को शनिवार को जैसे हम अंदर आए तो हमारा पंच हो गया, जब हम बाहर चले तो हमारा आउट नहीं हुआ। इसलिए आज जब हम सुबह आए तो हमारे को गेट पर मना कर दिया, गेट कीपर ने मना कर दिया कि आप चारों को मना किया, जैसे हम 4 मेम्बर है तो हमारे को मना कर दिया कि अंदर नहीं जाना। और बाकी हमारे को लेटर मिल गए थे शुक्रवार को, आज हमारे को मना किया कि आज तुमने अंदर नहीं जाना। तो हमने हमारे जो है राहुल भाई जी इनको बुलाया है,